अब बिना बिना मास्क उधर से लोग निकल रहा है, दवा के लिए जा रहे हैं तो दवा वाला छोड़ देते हैं कि खैर दवा के लिए तो कोई बात नहीं है, लेकिन घर वाला जो लोग है टेम्पू लेकर घुस जाता है, कोई मोटरसाइकिल से घुस रहा है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं गरिमा भारती। पूरे बिहार में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, सरकार इससे निपटने के लिए मेगा और माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स बना रही है ताकि जिस इलाके में ज्यादा संक्रमण है उसे प्रतिबंधित करके उसके फैलाव को रोका जा सके। लेकिन क्या कोई जानता है कि कंटेनमेंट जोन्स के भीतर के हालात कैसे हैं, वहाँ की व्यवस्थाएँ कैसी है, क्या वहाँ पर कोई मॉनिटरिंग करने वाला है कि भीतर कोई आ जा तो नहीं रहा बेवजह, दुकानें तो नहीं खुली हुई हैं, इसकी पड़ताल लाइव सिटीज ने की है। मुजफ्फरपुर से हमारे सहयोगी अभिषेक कंटेनमेंट जोन्स के बाहर जाकर उनके हालातों का जायजा ले रहे थे। वहां पर उन्होंने पता करने की कोशिश की है कि किस तरह से कंटेनमेंट जोन्स को चलाया जा रहा है, उसकी निगरानी किस तरह से की जा रही है, आप इस वीडियो में देखिए। बिहार में लगातार बढ़ते संक्रमण को लेकर राज्य सरकार तमाम दावे करती है, लेकिन हकीकत हमेशा कुछ और ही होती है। मुजफ्फरपुर ज़िले की बात करें तो यहाँ पे लगातार संक्रमण का दायरा बढ़ता जा रहा है, लगातार कोरोना का मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसे लेकर जिला प्रशासन ने ज़िले में 4 मेगा कंटेनमेंट जोन बनाए हैं, जिसमें से एक ये कंटेनमेंट जोन है। यहाँ की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पर यहाँ की जो हकीकत है वो क्या है। कंटेनमेंट जोन मात्र नाम का है, खुलेआम यहाँ से धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं सरकार के आदेश की। कोई मजिस्ट्रेट यहाँ पर तैनात नहीं है, सिर्फ 2 पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात हैं जो रोकने में असफल साबित हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई मजिस्ट्रेट कोई दंडाधिकारी की प्रवृत्ति नहीं की गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे लोग जा रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। और सबसे बड़ी बात, कंटेनमेंट जोन है लेकिन सामने देख सकते हैं किस धड़ल्ले से दुकानें खुली हुई हैं, गाड़ियाँ लगी हुई हैं, आदमी आ जा रहे हैं, लेकिन मात्र नाम मात्र का ये कंटेनमेंट जोन है। क्या रोक रहे हैं कि नहीं रोक रहे हैं यहाँ पर? रोक रहे हैं लेकिन बात नहीं मान रहा है, कोई रोक रहे हैं, कुछ आदमी बात नहीं मान रहा है, कहता है कि यहीं पर घर है, यहीं पर हमको जाना है, दवा के लिए जाना है, दवा वाला छोड़ देते हैं कि खैर दवा के लिए तो कोई बात नहीं है, लेकिन घर वाला जो लोग है टेम्पू लेकर घुस जाता है, कोई मोटरसाइकिल से घुस रहा है, अब जबरदस्ती बिना मास्क उधर से लोग निकल रहा है, हम लोग तो रोक ही रहे हैं। रोकने वाला मजिस्ट्रेट अभी नहीं है, हम लोग अभी भेंट मुलाकात नहीं है, कोई मुलाकात नहीं ना हम लोग का। तो साफ साफ पुलिस वालों का कहना है कि कोई मजिस्ट्रेट नहीं है, ऐसे कैसे बिहार में संक्रमण रुकेगा, कैसे बिहार को बचाया जाएगा। तस्वीरें साफ साफ आप देख सकते हैं, धड़ल्ले से यहाँ पे उड़ाई जा रही हैं, जो सरकार का निर्देश है, जो जिला प्रशासन का निर्देश है, कोई भी पालन कराने को लेकर कोई अधिकारी यहाँ मौजूद नहीं है, सिर्फ 2 पुलिसकर्मी हैं, वो भी ट्रैफिक पुलिसकर्मी हैं। तो आपने वीडियो देखा, अभिषेक ने मुजफ्फरपुर के कंटेनमेंट जोन्स के हालात बताए हैं कि किस तरह से लोग बेधड़क आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। 2 सिपाहियों को नियुक्त किया गया है कंटेनमेंट जोन्स के बाहर, लेकिन उनकी बात कोई नहीं सुनता है, ना कोई बड़ा अधिकारी है, ना कोई मजिस्ट्रेट है, और ना ही किसी दंडाधिकारी को वहाँ पर नियुक्त किया गया है, लोग जिनकी बातों को मान सके, और जो लोग वहाँ पर नियुक्त किए गए हैं उनकी कोई भी वैल्यू नहीं कर रहा है, यानी कि उनकी बातों को कोई मानता नहीं है। बेधड़क लोग गाड़ियों पर सवार होकर इस पार से उस पार जा रहे हैं और कंटेनमेंट जोन्स के भीतर दुकानें भी खुली हुई हैं, तो इस तरह से आखिरकार कोरोना कैसे जाएगा जब लोग कंटेनमेंट जोन्स के अंदर और बाहर करेंगे। यानी कि आप समझ सकते हैं कि कंटेनमेंट जोन्स क्यों बनाए जाते हैं, कोरोना को प्रतिबंधित करने के लिए, उस क्षेत्र को प्रतिबंधित करने के लिए, लेकिन जब इस तरह की चीज़ें, इस तरह की ढिलाई बढ़ती जाएगी तो कोरोना कैसे भागेगा, ये एक बड़ा सवाल है। देखने वाली बात ये होगी कि सरकार कंटेनमेंट जोन्स को लेकर और कितनी सख्ती बरतती है और कोरोना को कंट्रोल करने के लिए और क्या कड़े कदम उठाती है। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।